विचार सार परमा माध्यम जगत व्यापिनी मीना पुस्तक धारिणी स्फाटिक मालिका विदधती पद्मासने संस्थिता वंदे ताम परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदान शारदा ये नाक्षर समाप्ताय महेश्वरा व्याकरण वाक्यकारुचि भाष्यकार पतंजलि पाणी सरस्वती देवी शुद्ध्यां पुण्यां करोम्यहम् महेश्वराणि लघु सिद्धांत कौमुदी में अजंत पुल्लिंग शब्दों के अंतर्गत हम कल के पाठ में हर्ष उकारांत कुछ शब्दों को बनाया। हर्ष उकारांत जो शब्द हैं उसमें हमने भानु और शंभु दोनों रूपों को देखा, शंभु और भानु। शंभु और भानु की हरिवत ही प्रक्रिया हुई और हरि में जहाँ घी संजा करके घी संजा के कार्य होते हैं उसी ढंग से हमने घी संजा के कार्य किए और देखने या समझने लायक ऐसा है कि जसी च सूत्र लिया हमने गुण करने के लिए, आंगो ना स्त्रियां घी संज्ञा के लिए कार्य करता है, टा को ना आदेश करता है क्योंकि टा जो थी वो पहले आंग ही और टा और आंग एक ही बात है, ऐसा बोलते थे पूर्व के आचार्य, टा को ही आंग बोलते थे, इसलिए आंगो ना स्त्रियां में टा को ना आदेश हो जाता है। घेर गीति से गुण हुआ, गुण को फिर अव आदेश एच यावा यावा से हुआ, घेर गीति से फिर गुण हुआ अन्य विभक्ति में पंचमी और षष्ठी में, फिर उनको गसी गशोस से पूर्ण रूप हुआ, वहां एचो नहीं लगा। अच्छे घे हमेशा आपको याद है सप्तमी विभक्ति में प्रयोग में आता है। सूत्र की विशेष बात यह है कि पूर्वनिमित और परनिमित दोनों में कुछ परिवर्तन कर देता है। घी जो परनिमित होता है उसको अव बना देता है, अव आदेश कर देता है, और घी जो पूर्णमित होता है घी संज्ञा उसको वो अत कर देता है। तो भानु या शंभु दोनों में पू को अत कर दिया इसने और घी को पर में इसने अव कर दिया। इस प्रकार ये सूत्र कार्य करे अच्छे घे इत्यादि। फिर देखते हैं कि संबोधन में अश्वस्य गुण से गुण होके नस्वाद संबुद्धि से शुरू हो गया। इस तरह ये शंभु और हमारी दूसरा रूप भानु इन दोनों के रूप सिद्धि देखी। शंभु और भानु की तरह से बहुत सारे रूप चलते हैं। अजात शत्रु युधिष्ठिर को बोलते थे, अणु परमाणु, अधर्वयु यजुर्वेद के ज्ञाता को अधर्वयु बोलते हैं, अनरु सूर्य के सारथी को, अंधु कुआ के लिए कहते हैं, अभिशु असु अंशु किरण के लिए, आखु चूहा के लिए, आगंतु आगंतुक को आगंतु भी बोलते हैं, इक्षु गन्ना सुगर कैन होता है, इक्ष्वाकु राजा हुए एक। तो इस तरह से इंद्र इंदु
बहुत सारे रूप ऐसे हैं जो हर्ष उकारांत के हैं, ऋतु है, ऋजु है, उर्णायु है, कारु है, दयालु है, भिक्षु है, बेरु है, दस्यु है, भृगु है, मृजु है, मधु है, मनु है, मनु है, मनु, इस तरह बहुत रूप जो है ये चीज। अब कुछ रूप ऐसे भी होते हैं जो होते तो अवश्य ही हर्ष उकारांत है, लेकिन वो रूप जो है हर्ष उकारांत होने के बावजूद भी भानु और शंभु की तरह नहीं चलते। इस प्रकार की प्रक्रिया प्राय देखने में आती है। राम शब्द के हमने रूप बनाए तो अकारांत को उद्देश्य करके बनाए कि अकारांत शब्द है, लेकिन सर्व शब्द अकारांत होने के बावजूद भी कुछ उसमें अलग मिला हमें, कुछ भक्तियों के रूप उसके अलग थे। इसी तरह क्रोष्टु एक शब्द आ रहा है, ये क्रोष्टु शब्द जो होता है गीदड़ के लिए होता है, श्रृगाल कहो, गीदड़ कहो, अंग्रेजी में तो इसको जयकाल भी बोलते हैं। फेरु शब्द होता है तो फेरु शब्द भी इसी के लिए गीदड़ के लिए आता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पता नहीं व्याकरण का ज्ञान कम हो गया या क्या कारण रहा, कहीं कहीं कई लोगों ने अपने पुल्लिंग में नाम फेरु नाम भी रखे हुए हैं। फेरु वस्तुतः फेरु नाम नहीं रखना चाहिए, ये तो गीदड़ का नाम है, गीदड़ का प्रयास, लेकिन ये भी नाम रखे हुए व्याकरण का कोई वो हुआ पता नहीं, हो सकता है वो फेरु से कुछ लक्षणा करते हों, फेरु के वाच्यार्थ में ना जाते हों, क्योंकि वाच्यार्थ तो इसका श्रृगाल ही है, जो क्रोष्टु का अर्थ है गीदड़ वही है। हो सकता है वो कुछ इस प्रकार किसी को पुत्र बड़े मुश्किल से फिर से होके हुआ हो, उस दृष्टि से वो उसको फेरु बोलते हों, लेकिन संस्कृत में इसका जो है अर्थ श्रृगाल या गीदड़। ऐसे अन्य भी कई सारे शब्द होते हैं जिनका संस्कृत में बिल्कुल अलग सा अर्थ होता है और हिंदी में प्राय हम उनको उपयोग करते हैं। और स्त्रीलिंग पुल्लिंग का तो आप लोगों ने कई बार देखा ही होगा, जो नाम हम स्त्रीलिंग में प्रयोग कर रहे हैं वो पुल्लिंग मिल जाता है, जो पुल्लिंग में प्रयोग कर रहे हैं वो स्त्रीलिंग शब्द मिल जाता है। तो अब हमारा जो शब्द आ रहा है वो शंभु शब्द से भिन्न है, भले वो भी उकारांत ही है। तो क्रोष्टु शब्द आ रहा है, तो क्रोष्टु शब्द के लिए सबसे पहले ही क्रोष्टु शब्द को चलाने की शुरुआत ही करते हैं तो क्रोष्टु धनसु ऐसा हमारा बनता है। तो क्रोष्टु धनसु में फिर क्या होता है उसी के लिए एक सूत्र प्रस्तुत हो रहा है, और सूत्र जो है वो अतिदेश सूत्र है। अतिदेश सूत्र का आप लक्षण समझते हैं, अन्यस्य धर्मस्य अन्यत्र आरोप बोधः, अतिदेश सूत्र। तो सूत्र प्रस्तुत हो रहा है त्रिज्वत क्रोष्टुहु, त्रिज्वत क्रोष्टुहु अतिदेश सूत्र है, अर्थात जो जैसा नहीं है उसको वैसा बना के किसी और के धर्म को किसी और पर आरोप करके कुछ कार्य कराते हैं, ऐसे सूत्रों को ही अतिदेश सूत्र कहते हैं। जो सूत्र है त्रिज्वत क्रोष्टुहु, सात एक पिचान, देख ही रहे हैं आप। ये वत शब्द तभी आता है, ये वत तभी जोड़ते हैं कि किसी और के वत किसी को बनाया जा, इतना तो देखने से ही पता चलता है। त्रिज्वत जो है ये अव्यय है और क्रोष्टुहु प्रथमा एक वचन, क्रोष्टुहु तो आप खुद ही रूप बनाए और त्रिज्वत जो है ये अव्यय। अच्छा, ये त्रिज्वत जो है ये त्रिच, त्रिच से त्रिज है, जैसे अज से अज होता है, अजंत कर देते हैं, अचंत से अजंत बोल देते हैं, ऐसे ये त्रिच है, उसी से ये त्रिज है। इसमें अनुवृत्ति आ रही है असंबुद्धौ की, असंबुद्धौ को लेकर आप सूत्र पहले पढ़ के आए हैं, सख्यो संबुद्धौ। सर्वनाम स्थाने एक पद है उसकी भी अनुवृत्ति आ रही है, वो हितोत्व सर्वनाम स्थाने से, इस तरह से इसमें कुछ अनुवृत्ति आई, तो सूत्र का अर्थ करना अब थोड़ा आसान हो गया।
वृत्ति क्या कह रही है इसकी, असंबुद्धौ सर्वनाम स्थाने परे क्रोष्टु शब्दस्य स्थाने क्रोष्ट्री शब्द प्रोक्तव्य इत्यर्थः। वृत्ति ने तो स्पष्ट ही कह दिया कि संबुद्धि से भिन्न जो सर्वनाम स्थान हो। अब ये जो बोलते हैं संबुद्धि से भिन्न सर्वनाम स्थान, ऐसा क्यों बोलते हैं, कभी आप लोग सोचते हैं इसको? सर्वनाम स्थान कितने होते हैं, कितने होते हैं सर्वनाम स्थान? आप बताएंगे फोन पर सर्वनाम स्थान कितने होते हैं? आठ होते हैं, तीन वो संबुद्धि वाले भी हैं, हैं तो वो भी क्योंकि सुओजस ना सुट होते हैं तो वो भी तो सुओजस ही हैं, इसीलिए ये कह देते हैं संबुद्धि भिन्न, कहीं आप उसको ना मानने लगो संबुद्धि वाले को, क्योंकि सर्वनाम स्थान संज्ञा तो उसकी भी होती है ना, क्योंकि उन्होंने बोला सुट की होती है। सर्वनाम स्थान संज्ञा किस सूत्र से होती है? सोड़ा नपुंसकस्य से होती है, तो सोड़ा मतलब सुट, तो सुट में तो आ ही गया ना वो भी, इसीलिए बोलते हैं कि संबुद्धि भिन्न वाले सर्वनाम स्थान, यानी उन तीन को मत मानना, कभी आप संबुद्धि को भी मान लो। वैसे तो आप देखिए आगे दिखते आएंगे, संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान परे होने पर, सर्वनाम स्थान में फिर ये सु औजस अमोट ये सब आ ही नहीं, ऐसे स्थानों पर क्या करो? वृत्ति ने तो बिल्कुल स्पष्ट ही कह दिया कि क्रोष्टु शब्द के स्थान पर आप क्रोष्ट्री समझिए, क्रोष्टु शब्द के स्थान पर आप क्रोष्टी समझिए। लेकिन यदि सूत्र की दृष्टि से हम देखें इसको और थोड़ा विचार करें, तो वो कह रहे थे ये वृत्ति भी कैसे बनानी पड़ी, वो कह रहे थे त्रिजवत क्रोष्टु, क्रोष्टु जो शब्द है गीदड़ का वाचक है, इसको त्रिजवत कर दीजिए, अर्थात ये त्रिज प्रत्यय से नहीं बना है, लेकिन जो त्रिज प्रत्यांत जो है उस त्रिज प्रत्यांत इसको कर दीजिए, मान लीजिए क्रोष्टु शब्द को त्रिज प्रत्यांत मान लीजिए। तो त्रिज प्रत्यांत कौन कौन से हैं, बहुत सारे शब्द हैं, अब त्रिज प्रत्यांत में से कौन सा त्रिज प्रत्यांत माने, एक त्रिज प्रत्यय से तो बहुत रूप बन गए, ये कर्त्री हत्री ये सारे जो हैं त्रिज प्रत्यांत ही है, ये जो त्रिज प्रत्यय है ये त्रिज प्रत्यय में चकार की तो हलंत्यम तस्य लोप, तो त्रि मात्र तो बचा इसमें, तो कितने सारे इसमें त्रिज प्रत्यांत हैं, कोई एक थोड़ी है, बहुत सारे त्रिज प्रत्यांत होते हैं, लेकिन उसमें से कौन से त्रिज प्रत्यांत को हम लेके चलें, क्योंकि त्रिज से तो आपके बहुत सारे रूप बन रहे हैं, आप किस त्रिज प्रत्यांत की बात करेंगे? तो कहते हैं कि त्रिज प्रत्यांत में हम उसकी बात करेंगे जो इसके निकट से निकट होता हो, सदृश्यतम होगा, क्योंकि स्थानीय अंतरतम क्या कहता है, सदृश्यतम आदेश से सदृश्यतम हो। अब सदृश्यता देखने के लिए स्थानकृत सादृश्यता होती है, अब स्थानकृत तो देखेंगे नहीं कि भाई अपू विसर्जन नाम कंठा हेतुर साम काल ऐसे तो देखेंगे, तो पूरा शब्द है तो उसकी अर्थकृत अर्थकृत सादृश्यता देखेंगे, अर्थात क्रोष्टु शब्द का जो अर्थ निकलता हो, इस अर्थ में ही यदि कोई त्रिच प्रत्यांत शब्द हमें और मिल जाए तो उसको रख देंगे। तो क्रोष्टु शब्द का अर्थ गीदड़ है, तो त्रिच प्रत्यांत एक शब्द था क्रोष्ट्री, उसका अर्थ भी गीदड़ ही निकलता था, इसीलिए त्रिजवत का मतलब उसी त्रिजवत को चुन लिया जो त्रिच प्रत्यांत का क्रोष्ट्री शब्द था, इसीलिए वृत्ति में तो खैर स्पष्ट बोल देते हैं, ये तो पहले सूत्र पढ़ते थे फिर वृत्तियां आई, ऐसे आगे आगे आके टिप्पणकार आए और सरलता के लिए, नहीं तो सूत्र ही यदि हमारे सामने प्रस्तुत होता और उसमें ये बोल दिया कि भाई त्रिजवत क्रोष्टु हूँ, तो सूत्र तो सिर्फ इतना कह रहा है कि क्रोष्टु शब्द को के स्थान क्रोष्टु शब्द को त्रिजवत कर दीजिए, अब जब उसको क्रोष्टु शब्द को त्रिजवत करेंगे तो त्रिज के रूप तो बहुत सारे हैं त्रिज प्रत्यांत के, तब फिर ये विचार करते हैं कि भाई स्थानीय अंतरतमा से जो अर्थकृत सादृश्यता जिस शब्द की बेसात बैठती हो और वो त्रिज प्रत्यांत भी हो उसी को किया जा सकता है, ये तो हम प्राय पढ़ के आए हैं, तो उस दृष्टि से रखते हुए क्रोष्ट्री शब्द है रिकारांत, यानी उकारांत से ये अभी रिकारांत हो गया, ये किन में सर्वनाम स्थान में, सर्वनाम स्थान में तो ये रिकारांत ही बन गया था, तो उकारांत शब्द, लेकिन अब रिकारांत के जैसा ही कर दिया उन्होंने, त्रिज प्रत्यांत तो बहुत सारे शब्द थे कर्त्री हर्त्री दात्री ऐसे, लेकिन उसमें से
अर्थकृत सादृश्यता को देखते हुए क्रोश ट्री ऐसा हुआ। तो स्थिति हमारी क्या थी पहले, क्रोश ऐसी स्थिति थी, क्रोश टू धन सू, तो फिर उसका उपकार तो चला गया तो सकार मात्र रह गया, ऐसा समझ लो है कि नहीं। अब तो इतना जान ही रहे हो तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी यहाँ फिर क्या आदेश हो गया, क्रोश टू की जगह पर सदृशतम आदेश क्रोश ट्री, तो अब लिख देंगे हम को क्रोश टू की जगह क्रोश ट्री, उपकार की जगह नीचे जो है वो रिकार का चिन्ह आ जाएगा, ऐसे ही तो परिवर्तन हुआ ना। अब ये सूत्र ने यही काम किया अतिदेश सूत्र। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है उसके लिए अगला सूत्र प्रस्तुत हो रहा है, ऋतोंगी सर्वनाम स्थान यो हो, ऋतोंगी सर्वनाम स्थान यो हो। तो स्थिति है हमारी क्रोश ट्री धन सूगा बच गया, जो तो रिकारांत बन गया ना ये, तो फिर रिकारांत को देखते हुए बात करनी पड़ी, तो भी सर्वनाम ऋतोगी सर्वनाम स्थान यो 7-3-110 सूत्र अंगस्य के अधिकार में चल रहा है, गुणा की अनुवृत्ति आ रही है अश्वस्य गुणा सूत्र से, वृत्ति क्या कह रही है, विधि सूत्र है, पहला अतिदेश सूत्र था और ये विधि सूत्र है, पहले वाला अतिदेश सूत्र, आप जहां लिखा करें वहां अपनी डायरी बनाएं तो ये लिख लिया करें, याद रह जाता है ऐसा, वैसे तो जिसको पहचान हो जाए उसको लिखने की जरूरत है। कह रहे हैं ऋतो अंगस्य, अब ऋतो अंग तो हो ही गया, अब रिकार आ गया और अंग संज्ञा है ही, अस्मात् प्रत्यय विधिष्ठादि प्रत्यंगम से अंग संज्ञा तो हो ही जाती है, प्रत्यय से पूर्व की अंग संज्ञा होती है, तो ऋदंत अंग हो ही गया, तो क्या कह रहे हैं ऋतो अंगस्य गुणो तद गुण हो जाए, कब गौ सर्वनाम स्थाने च, कह रहे हैं कि घी पर में हो, घी का तो गांव बनाना जैसे हरी का हरऊ बना था रूप, ऐसे देख के पहचान तो होती होगी ना, तो कहते हैं घी यदि पर में हो, घी तो किस में आता है, सप्तमी में आता है कि नहीं आता, यदि घी पर में हो या सर्वनाम स्थान पर में हो, सर्वनाम स्थान हमारे ये आई गए, हम जान ही गए सुड़ा नपुंसक से सर्वनाम स्थान समझा, ऐसी स्थिति में ऋदंत अंग भी हमें मिल रहा है, ऋदंत अंग के स्थान पर गुण हो, ठीक है, क्या कहा, ऋदंत अंग हो उससे पर में सर्वनाम स्थान हो या घी हो, ऐसी स्थिति में ऋदंत अंग के स्थान पर गुण हो जाए, तो क्रोष्टी दंसा में यहाँ सु सर्वनाम स्थान पर में है, तो इस प्रकृत सूत्र से रिवर्ण के स्थान पर गुण करेंगे तो उरण रपरा की मदद से क्या हो जाएगा, रमर होके अर आदेश हो जाएगा, और यदि वृद्धि करते तो आर आदेश हो जाता, ये तो आपको उरण रपरा में पढ़ाया था, रपर करके ही आदेश करना होता है, तो री के स्थान पर अर आदेश हो जाए, ऐसी स्थिति हमारी बन गई किसमें, क्रोष्टी धन सा में, लेकिन उसका भी बाद करने के लिए अगला सूत्र प्रस्तुत हो रहा है। स्थिति है क्रोष्टी धन, ऋदुषण स्पुरुदंशो अनेहसाम च, ऋदुषण स्पुरु अनेहसाम च, इसमें क्या है, ये ऋदंत के लिए है, लिख देते हैं पहले सूत्र को, ऋदंत तो आपको पता ही चल गया रिकार है इसमें,
पुरु दंशो नहीं है और सकार है। अच्छा अच्छा सकार नहीं है, हाँ सकार है। सूत्र है 7-1-4। देखो सूत्र क्या है, इसमें शब्द हैं कई सारे। क्या क्या शब्द हैं इसमें? एक तो इसमें रिद तो रिदंत के लिए हो गया, रिद है ना, ये रिदंत के लिए हो गया। एक इसमें शब्द है उष्णस, रिद अलग निकल गया सूत्र में से, रिद अलग निकल गया, उष्णस शब्द अलग निकल गया। ये पूरा का पूरा जो है ना, ये पूरा एक ही पद है, ये पूरा एक ही पद है षष्ठी बहुवचन का। ऋदुसनस पुरुदंशो अने हसाम, ये पूरा षष्ठी बहुवचन है और च एक अलग है, दो पद हैं इसमें केवल, एक पूरा का पूरा पद है ये ऋदुसनस पुरुदंशो अने हसाम, तो एक पद है और च एक पद है, ये षष्ठी बहुवचन है और च एक पद है। अब इस पद को थोड़ा तोड़ेंगे, देखेंगे कि इसमें क्या क्या है। तो एक तो ये रिदंत के लिए कुछ बोल रहा है, दूसरा इसमें एक शब्द है उष्णस, उष्णस एक शब्द है इसके अंदर, और इसमें एक पुरुदंश एक शब्द है, पुरुदंश एक शब्द है इसमें अनेहस। देखिए लिख देते हैं, एक तो है इसमें उष्णस, उष्णस शब्द है, और एक शब्द है इसमें पुरुदंश। और क्या है इसमें? अनेहसाम, यानी अनेहस। तीन शब्द है ना इसमें, एक तो इसमें है क्या हमारा उष्णस, पुरुदंश, और इनके क्या अर्थ हैं? ये उष्णस तो जो शुक्राचार्य जी है ना उन्हीं का एक नाम है, और पुरुदंशस जो है ये बिल्ली को कहते हैं, और अनेहस समय को कहते हैं। ये उष्णस जो है ये तो शुक्राचार्य जी का नाम है, ये बिल्ली है पुरुदंशस। और अनेहस जो है समय के लिए। तो क्या कह रहे हैं कि यदि संबुद्धि भिन्न सु परे हो, सु तो परे है ही, सकार संबुद्धि भिन्न सकार है ही पर में, और या तो रिदंत हो कोई, तो रिदंत ही मिल गया वैसे तो हमें, लेकिन अन्य के लिए भी सूत्र बनाया है तो उसको भी समझना चाहिए, या कोई उष्णस शब्द मिल जाए, या पुरुदंश मिल जाए, या अनेहस मिल जाए, इस तरह का कुछ भी मिल जाए अंत में, या तो रिदंत मिल जाए शब्द हमारा, या उष्णस मिल जाए अंत में, या पुरुदंश मिल जाए, या अनेहस मिल जाए, इनमें से कुछ भी हो और उनके पर में क्या हो, संबुद्धि भिन्न सु, संबुद्धि का सु नहीं, संबुद्धि भिन्न सु, तो ऐसी स्थिति में क्या करो आप? बोले आप ऐसी स्थिति में अनंग आदेश कर दो। गुण प्राप्त था ना, गुण प्राप्त था, अभी सूत्र पढ़ के आए थे गुण का, ऋतो की सर्वनाम स्थान यो, तो ऋतो की सर्वनाम स्थान यो क्या कहता था, रिदंत अंग से परे सर्वनाम स्थान में यदि सर्वनाम स्थान हो अदंत अंग से परे, रिदंत अंग से परे, तो उसमें क्या कर देना अब, गुण कर देना, चाहे गी पर में हो या सर्वनाम स्थान पर में हो। लेकिन ये विशेष सूत्र आके इसने क्या कहा कि यदि रिदंत अंग हो, उष्णस हो, पुरुदंशस हो या अनेहस हो, ऐसे शब्दों को आप अनंग आदेश कर देना। अब अनंग आदेश आप जानते हैं, अनंग आदेश जो है क्या है, एक तो अनेकल है, और अनेकल होने के साथ वो जो है गित भी है, तो अलोन्तस्य से देखी के बात नहीं बनेगी, अनेकाल से सर्वस्य से देखेंगे, अंत में निर्णय हमें गित से ही लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि गित है, तो उसका मतलब ये अंतिम अल के स्थान पे ही होगा, निर्णय ये निकाला।
अंतिम वाले यहाँ पर क्या है, प्रोष्ठी में री, प्रोष्ठी में री है कि नहीं है, तो प्रोष्ठी में जो री है, री यहाँ इसको क्या करेगा, ये अनंगादेश कर देगा। तो करके देखिए क्या होता है फिर, ऐसे रह गया ये, यहाँ ये अनंग आदेश हो गया, तो ये तो हमारा अनंग में गिट का गया, तो क्या रह गया, प्रोष्टन धन सकार जो है हमारा, प्रोष्टन धन स, प्रोष्टन धन स। कोई कोई रूप क्या होता है, प्रथमा बनाने में तीन चार सूत्र खा जाता है, ऐसा पहले किस में देखा था हमने, कोई बताएगा, बहुत आनंद आएगा, ऐसे पुराने से मैप करते चलोगे ना बहुत आनंद आएगा। सखी में भी हुआ था कि नहीं हुआ था, प्रथमा बनाते बनाते कई सूत्रों की मदद उसने ले ली थी। तो अभी भी सूत्र लगना इसमें बाकी है, क्रोष्टन धन सकार में। तो सूत्र प्रस्तुत हो रहा है, जरा संभल के, सूत्र आ रहा है। अब त्रिन त्रिस सप्सरी नप्त्री नेष्टि त्रष्टि छत्री होत्री पोत्री प्रशास्त्री नाम, अब त्रिन त्रिच स्वस्री नेत्री रेष्टु त्रष्टु छत्रु होत्री पोत्री प्रशास्त्री नाम, प्रशास्त्री नाम। अच्छा, इसमें क्या विशेषता है कि ये पूरा एक ही पद है, तो यदि ये पद थोड़े बीच में भी होते तो हम इसको तोड़ तोड़ के बोल भी लेते, यदि ये एक पद नहीं होता तो हम कैसे बोल सकते थे, अब त्रिन त्रिज स्वस्त्री नप्त्री नेष्ट्री त्वष्ट्री छत्री होत्री पोत्री प्रशास्त्री नाम, ऐसे बोलते धीरे से। लेकिन जब ये एक ही पद बना दिया जाता है, पूरा षष्ठी बहुवचन बना दिया है ग्रंथकार ने, तो फिर उसमें हमें उतना ही सांस लेना है जितने सांस से शब्द बोला जाए, ज्यादा नहीं ले सकते, तो फिर स्पीड से बोलना पड़ता है, इसलिए मैंने पहले स्पीड से बोला। तो कैसे बोलेंगे, अब त्रिन त्रि सब श्री नवश्री नेष्टि त्रष्टि क्षत्रि होत्रि पोत्रि प्रशास्त्रि नाम, बोलो। अब त्रिन त्रि श्री नित्रि नेष्टि त्रष्टु त्रष्टि क्षत्रि होत्रि पोत्रि प्रशास्त्रि नाम, अब त्रिन त्रि स्वश्री नवत्री नेष्टि त्रष्टि क्षत्रि होत्रि पोत्रि प्रशास्त्रि नाम, अभ्यास कर लेना, कल को फिर देख लेंगे। तो सूत्र क्या है, अब हमारी भी तीन पंक्तियों में आ ही है, अब त्रिन त्रिच स्वश्री नत्री नेष्ट्री त्रष्ट्री क्षत्री होत्री पोत्री प्रशास्त्री नाम। अच्छा, ये रिकारान दीर्घ है इसमें, प्रशास्त्री नाम, ठीक है, एक ही पद है, वो भी पूरा षष्ठी का वो वचन है। 6-4-19 काम आएगा वो, देखो पहले तो इनको ना शब्दों को थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि ये शब्द ही थोड़े लग रहे हैं, पता नहीं क्या आ गया है एकदम से, किस तरह का सूत्र सा पहले आया नहीं था। अप शब्द होता है ना जल के लिए, आपा बनता है, नहीं बनता जल के लिए, तो अप से ही बनता, ठीक है, अप शब्द है ना पहला इसमें, जल जल जलवाचक, ठीक है, लिख तो चल जाए, अलग अलग अर्थ है। हाँ, आप क्या समझ रहे, एक ही अर्थ है पूरे के पूरे, लिख देते हैं जितना जगह बन पाती उतना लिख देते, आपको आप लिख दिया ना, ये आपको नहीं है, आप है खाली, आप है ये जल के लिए। अच्छा, त्रिन जो है और त्रिच जो है ये है प्रत्यय, त्रिन और त्रिच, अभी त्रिच प्रत्यय तो अभी बताया था ना, हाँ बता रहे कि नहीं बताया था,
त्रिज प्रत्यांति तो है इसी के लिए, तो फिर सूत्र आ गया तभी तो त्रिज प्रत्यांत है, उसके लिए तो त्रिजवत बनाना पड़ा पाणिनि जी को, तो त्रिज तो वैसे ही याद रह जाएगा। तो त्रिन और त्रिज ये प्रत्यय है। स्वश्री जो है ये बोलते हैं बहन के लिए, भगिनी लिख लीजिए आप, स्वश्री जो है ना ये भगिनी बहन के लिए स्वश्री। तो अब जल के लिए हो गया त्रिन त्रिज प्रत्यय हो गए, स्वश्री जो हो गया वो भगिनी के लिए हो गया, नपत्री जो हो गया ये पोते को भी बोल देते हैं और धोते को भी बोल देते हैं, यानी पोत्र भी और दोहित्र भी। ये नपत्री जो है ये पौत्र भी होता है और दोहित्र भी होता है, दोनों के लिए प्रयोग हो जाता है, नपत्री भी हो गया। अच्छा नेष्ट्री, नेष्ट्री जो शब्द होता है ये एक ऋत्विक विशेष होता है, ये नेष्ट्री का और ये पोत्री जो लास्ट में जो पोत्री है, लास्ट में जो पोत्री है प्रशास्त्री नाम से पहले जो पोत्री है और ये जो आपका नेष्ट्री है, ये दोनों ऋत्विक के लिए होते हैं। पुरोहित जो होते हैं ना, पुरोहित ब्राह्मण जो होते हैं, यज्ञ इत्यादि जो कराते हैं, वो किसका नेष्ट्री का भी वही अर्थ है और किसका पोत्री का भी वही अर्थ है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा अंतर बस इतना है, एक सामवेदीय होता है और एक जो है ऋग्वेदीय होता है, बस इतना अंतर है, बाकी दोनों पुरोहितों के लिए ही होता है जो 16 ब्राह्मण बैठ के यज्ञ इत्यादि कराते हैं। तो ये हो गए, और क्या कोई शब्द बच गया? हाँ क्षत्री बच गया, क्षत्री जो होता है वो सारथी के लिए होता है और तवष्ट्री जो होता है वो प्रजापति के लिए होता है। क्षत्री जो है ये सारथी, सारथी के लिए होता है, दूसरे पैर से लिख देते हैं सारथी, जो है वो सारथी होता है और क्या रह गया, और होत्री, होत्री भी वही होता है ऋत्विकी होता है, ये भी होत्री भी ऋत्विकी होता है, और त्वष्ट्री बच गया, ये प्रजापति के लिए होता है। हो गए लगभग सभी शब्दों के, हाँ प्रशास्त्री बच गया, प्रशास्त्री होता है राजा के लिए। तो ये शब्द है सूत्र, अब त्रिन त्रिज स्वश्री नपत्री नेष्ट्री त्वष्ट्री क्षत्री होत्री पोत्री प्रशास्त्री ना। क्या कह रहे हैं शब्दों का तो सामान्य परिचय हो गया, अब कहना क्या चाह रहे ग्रंथ का इनको लेकर, कह रहे हैं इन सारे शब्दों को उन्होंने सीधे एक में कह दिया। क्या कहा? अबादी नाम, अबादी मतलब अपादी, अब से अब हुआ है ना जबरदस्त जस आदेश हुआ कि नहीं हुआ, तो अब से अब हुआ है। अबादी नाम उपधाया, अबादी नाम उपधाया दीर्घो असंबुद्धौ सर्वनाम स्थाने। क्या कह रहे हैं? अबादी नाम अर्थात ये सारे अबादी नाम, कह के टंटा काट दिया इनका अबादी नाम, बोले दोबारा कौन पड़ेगा। अबादी नाम उपधाया इन सब की जो है, अबादी नाम मतलब ये सब यदि हो, यानी कोई त्रिश प्रत्यांत शब्द हो, त्रिन प्रत्यांत शब्द हो, यहाँ पर त्रिश प्रत्यांत शब्द है कि नहीं प्रोत्री, उसमें सर्वनाम स्थान यदि पर में हो, संबुद्धि बिन सर्वनाम स्थान यदि पर में हो तो उसकी उपधा को दीर्घ हो जाए। अब ये क्रोष्टन शब्द में उपधा क्या है आप बताएंगे फोन पर? क्रोष्टन शब्द में ये त्रिश प्रत्यांत मिल गया और सर्वना त्रिश प्रत्यांत मिल गया और संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान पर मिल गया, तो ये अब त्रिन त्रिश स्वश्री नपत्री नेष्ट्री त्वष्ट्री क्षत्री होत्री पोत्री प्रशास्त्री नाम सूत्र के अनुसार सारी शर्तें प्राप्त हो गई। तो अब इस क्रोष्टन शब्द की उपधा को दीर्घ हो जाए तो फोन वाले बताएंगे कि क्रोष्टन शब्द में उपधा क्या है अर्थात दीर्घ क्या कर दें हम, कौन सा? हाँ टकार उत्तरोत्तर अकार, क्योंकि उपधा उपधा संज्ञा करने वाला सूत्र क्या था? अलो अंत्यात पूर्व उपधा, अंतिम अल से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। अंतिम अल क्या है? नकार। नकार से पूर्व वर्ण क्या है? टकार उत्तरोत्तर अकार, तो इस अकार की क्या हो गई? उपधा संज्ञा। इसी को दीर्घ करने के लिए सूत्र कह रहा है, तो दीर्घ कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। दीर्घ करने में क्या हो गए? क्रोष्टान। क्रोष्टान धन सकार,
क्रोष्टांधन सा हो गया। अब ये देखो कहां कहां से घूम घूम के लेके आया है, तो ठीक है क्रोष्टांधम सकार में। अब ये देखिए यहाँ पर आपको आपका पढ़ा पढ़ा है सूत्र हलव्याभ्यो दीर्घात् प्राप्त है क्या, क्या कहता था लोप करता था सकार का। हाँ हलव्याभ्यो दीर्घात् सुति सुति अपृक्त हल बताओ क्या करें, हो जाएगा इसमें सकार का लोप कर दीजिए। और दूसरा सूत्र एक और आपको प्राप्त था क्या, फिर नकार मात्र रह जाएगा, सकार चला गया लोप हो गया क्या रह गया क्रोष्टन क्रोष्टान क्रोष्टान में फिर क्या रह गया आपका नकार, नकार को लोप करने का कोई सूत्र पढ़ा था पहले, याद है कुछ आपको, याद है फोन पर नकार को लोप करने वाला सूत्र सकीन में आया था याद करो, स्थिति सकीन के जैसी दोनों सूत्र बाद में आए थे, हलव्याभ्यो भी आया था न लोपो प्रातिपदिकान्तस्य न लोपो प्रातिपदिकान्तस्य क्या कहता था, ऐसी स्थिति में नकार का लोप हो जाए तो शब्द क्या बच गया क्रोष्टा। देखो कितनी देर में जाके रुके, कितने सारे सूत्र इसमें लगकर चलेंगे, ठीक है अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, अभी शुरुआत में ही ऐसा बनाने में ही वो होना था बाकी तो अच्छा। इसमें एक पक्ष उठाते हैं कि ये जो आपने उपधा दीर्घ करने के लिए इतनी बड़ी कहानी हमें पढ़ाई जो हमसे पढ़ी भी नहीं जा रही, उच्चारित भी नहीं हो रहा, आप त्रिन त्रिश्वसरी नपत्री निष्ठित छत्री उत्तरी पोत्री प्रशास्त्री नाम उच्चारण करने में भी हमें सांस लेना पड़ रहा है, ये आपने सिर्फ जो है उपधा को दीर्घ करने के लिए किया है, और उपधा को दीर्घ हमने पहले भी किया था, तो एक सूत्र मिला था हमें उपधा को दीर्घ करने के लिए, कौन सा सूत्र था सर्वनाम स्थाने च संबुद्धौ, ऐसा सूत्र पढ़ा था, फोन पे है क्या आप उपस्थित, सर्वनाम स्थाने च संबुद्धौ, वो भी तो यही कर रहा था, सर्वनाम स्थान पर संबुद्धि भिन्न को कर सकता था वो भी उपधा को दीर्घ, आपने उसको क्यों नहीं लगाया, तो कह रहे हैं ये तो आपने एक बात कह दी, उसने क्या किया था उपधा को दीर्घ कर दिया था, ऐसी स्थिति में आप कह रहे थे कि ये सूत्र भी उपधा को दीर्घ कर देगा, लेकिन आगे की कुछ ऐसी स्थितियां भी तो होंगी जहां पर कोई नांत पद नहीं मिलेगा, नांत पद को वो उपधा को दीर्घ कर रहा था कि नहीं कर रहा था, नांत पद की उपधा को दीर्घ कर रहा था, चलो नांत में मिल गया था क्रोष्टान नांत है, लेकिन क्या ये हमेशा ही इसको क्रोष्टान मिलने वाला है, कुछ विभक्तियों में आगे इसको अनंग आदेश नहीं होगा, क्यों ये तो अनंग आदेश होने से नकार बन गया हमारा, और जहां इसको अनंग आदेश नहीं हुआ वहां अनंग आदेश ना होने की वजह से ये नकारांत बनेगा नहीं, और नकारांत ये बनेगा नहीं तो उपधा को दीर्घ आप कैसे करेंगे, फिर आपको याद यही आएगा कि त्रिच प्रत्यांत की उपधा दीर्घ हो जाए, इसलिए हमें ये सूत्र त्रिच प्रत्यांत के आधार से इसके इस शब्द को देखो तो इसलिए खड़ा करना पड़ा, बाकी बहुत सारे आगे मिलने वाले हैं उनके लिए तो है ही, लेकिन यही की बात करो तो यही तो आपको ये त्रिश प्रत्यांत के कारण जो है इसको दीर्घ कर लेगा। आगे की स्थिति आती है सू की स्थिति से आगे क्या औ क्रोष्टु धन औ, फिर वही क्रोष्टु को आदेश हो गया क्या त्रजवत क्रोष्टु से क्या क्रोष्टी, तो क्रोष्टी धन औ क्रोष्टी धन आई औ। अब मुझे ये बताओ जरा विचार करके कि क्रोष्टी धन औ में मैं क्या अनंग आदेश कर सकता हूं, अनंग आदेश किस सूत्र से किया था अभी, क्रोष्टी स्थिति है क्रोष्टी धन औ प्रथमा का द्विवचन, अभी आपने एक सूत्र पढ़ा था अनंग आदेश करने वाला रितोगी सर्वनाम स्थानयो हो, क्या रितोगी सर्वनाम स्थानयो से मैं इसको अनंग आदेश कर सकता हूँ, गुण करता था सकता हूँ इसको मैं अनंग आदेश, अभी जो आपने वो शुक्राचार्य के अर्थ वाला बिल्ली के अर्थ वाला जो सूत्र पढ़ा था
ऋदु सनस पुरुदंसो अने अने असाम जो पढ़ा आपने, क्या इस सूत्र से हम यहाँ पर अनंग आदेश कर सकते हैं? जरा देखो वृत्ति, ऋदु सनस पुरुदंसो अने असाम की वृत्ति देखिए, आप बताइए फोन वाले इसकी वृत्ति क्या कह रही है, या लाइव वाले बताइए क्या कर सकते हैं हम इससे अनंग आदेश, क्यों नहीं कर सकते ऋतु सनस पुरुदंसो अने असाम से? हाँ, पर में संबुद्धि भिन्न सू चाहिए, सू तो है नहीं, औ है, तो अनंग आदेश नहीं होगा। अनंग आदेश नहीं होगा तो फिर क्या होगा? ऋतोगी से गुण, गुण तो हो सकता है, अनंग आदेश ही तो नहीं हुआ। ऋतोगी सर्वनाम स्थाने से गुण तो हो जाएगा, तो गुण होके क्या हो जाएगा? क्रोष्ठी में गुण क्या करोगे? पहले ऋतोगी सर्वनाम स्थाने का बाद किसने किया था? इसी अगले सूत्र ने किया था। ऋतोगी सर्वनाम स्थान यो सूत्र का बाद इसी ऋतु सनस पुरुदंसो ने असाम नहीं किया था, अनंग आदेश करा दिया था। लेकिन अब अनंग आदेश होगा नहीं, क्योंकि संबुद्धि भिन्न सू पर में नहीं है, औ है पर में, तो ऋतोगी सर्वनाम स्थान यो सूत्र तो हमारा प्राप्त ही था, तो प्राप्त था तो उसमें गुण कर देगा, तो प्रोष्ठी की स्थिति में गुण करने क्या हो गया? अर आदेश। अर होता कि नहीं उड़न रपरा से? अर आदेश करोगे तो क्या हो गया? ये क्रोष्टर, क्रोष्टर हो गया। अर करोगे यहाँ पर तो क्या बन गया? ये क्रोष्टर। ऐसे पर में क्या है? औ मिला दो, रूप क्या बन गया? उपदा को दीर्घ कर दो, उपदा किसकी दीर्घ होगी यहाँ पे? टकार उत्तरोत्तर अकार की, तो क्या हो गया? क्रोष्टार, क्रोष्टार। और पर में औ है, औ तो ऐसे ही चल ही रहा है, तो मिला दो क्या बन गया रूप? क्रोष्टारौ। क्या बन गया रूप? क्रोष्टारौ। तो प्रथमा का द्विवचन बन गया क्रोष्टारौ। अब आ जाइए जस में, जस की स्थिति में क्या है? फिर से वही क्रोष्ठी धन अस रह गया जस का, अस रह जाने से क्या करोगे उसमें? वही कर दीजिए, अस रह जाने से पूर्ववत क्या करो? गुण। किससे हुआ गुण? किससे? ऋतो की सर्वनाम स्थानियो से, क्योंकि ऋतु से इसमें भी नहीं लगेगा, संबुद्धि भी नहीं है, पहले गुण कर दो, तो अर हो गया। अर होने से क्या बनता है? क्रोष्टर। अर हो गया, गुण हो गया, गुण के बाद में क्या कर दो? उपदा दीर्घ कर दो, तो क्या हो गया? क्रोष्टार। ऊपर में क्या है अब की बार? अस, तो क्या हो गया? क्रोष्टार और अस मिला दो, क्रोष्टर, क्रोष्टरस हो गया कि नहीं हो गया? क्रोष्टरस हो गया, तो क्रोष्टरस की स्थिति में क्या हो जाएगा इसको? रुत्व विसर्ग, क्रोष्टारस, क्रोष्टरस नहीं, क्रोष्टारस, क्योंकि आकार भी हुआ है ना उससे, आकार नहीं आकार हो गया ना उसको, तो क्रोष्टारस, क्रोष्टारस की स्थिति में रुत्व विसर्ग कर दोगे तो रूप क्या बन गया? क्रोष्टार। ठीक है, अच्छा अब आ जाइए अम्मे, अम्मे क्या होगा? उसी तरह से क्रोष्ट आदेश, गुण कर दीजिए, उपदा दीर्घ कर दीजिए, क्रोष्टारम बन गया, तो क्या हो गया? क्रोष्टारम। और द्विवचन का रूप आप बना ही चुके थे, क्रोष्टारौ ऐसा आपने बनाया ही था। अच्छा फिर क्या आ गया आपका? शस, शस में क्या रह गया? अस, अस में क्या करोगे? अस में बताओ, अस में विशेष बात है, अस में ये त्रिज्वत भाव को प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि त्रिज्वत भाव केवल केवल कहां चलता था? सर्वनाम स्थान में, और क्रोष्टु नहीं, ये अब क्रोष्टु धन अस है, क्रोष्टवी धन अस नहीं हो सकता, ये समझ आ रही है बात? क्योंकि यहाँ पर ये क्या आ गई स्थिति? सर्वनाम परे नहीं, हाँ त्रिज्वत भाव नहीं है, त्रिज्वत भाव नहीं है, तो यहाँ पर क्रोष्टु है, ध्यान देना। अब यहाँ से इसको आप पूर्व सवर्ण दीर्घ कर दीजिए, किससे? प्रथमयो, पूर्व सवर्ण दीर्घ से, तो क्या हो गया? ये क्रोष्टु, क्रोष्टु से क्या हो गया? क्रोष्टु। और फिर क्या कर दीजिए? शस के सकार को नकार आदेश, तो यहाँ थोड़ा भिन्न बन गया रूप, इसलिए ध्यान देना, भिन्न रूप क्या बना? ये बना क्रोष्टून। आई बात समझ में? यहाँ पर क्रोष्टून रूप बन गया। अब आगे तृतीय विभक्ति, यहाँ पर थोड़ा अंतर बस यही हुआ, सर्वनाम स्थान पर में नहीं है तो क्रोष्टी आदेश नहीं, इसलिए यहाँ क्रोष्टून बना। तो अगला क्या आ गया? क्रोष्टुधन, क्रोष्टुधन टा,
तो प्रोष्टु दंता की स्थिति में फिर आगे सूत्र प्रस्तुत होगा, उसे कल देखते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।